आपको दिया हुआ है द कॉन्फिगरेशन ऑफ द स्मॉल अमाउंट। अच्छा, आपको इसमें दिया हुआ है अमीनो एसिड्स के प्रोड्यूस से, अमीनो एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स होंगे उनके हाइड्रोलिसिस से क्या बनते हैं? अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो जैसे मान लो हमने इसका हाइड्रोलिसिस करवा दिया, मान लो इसका हमने हाइड्रोलिसिस करवा दिया, हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद यदि हम लोग इसमें देखें तो ये प्रोटीन इसमें इस तरह से बनता है, जिसमें COOH, NH2 और यहाँ पे आ जाएगा OH या CH2OH जो भी होगा, ठीक है, वो यहाँ पे इसमें क्या होता है, बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं इसका कॉन्फिगरेशन ऑफ द कंपाउंड 1 एंड 2। तो आप इसको नंबर देंगे 1, इसको हम लोग नंबर देंगे 2, अकॉर्डिंग टू CIP रूल हमें प्रायोरिटी असाइन करनी है। तो सबसे पहला जो CIP रूल होता है वो ये होता है कि आपने एटॉमिक नंबर से उसको देखा, एटॉमिक नंबर सेम है तो आप एटॉमिक मास पे जाओ, यदि आइसोटॉपिक इफेक्ट भी फेल हो जाता है तो फिर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को चेक करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट भी यदि सेम है तो हम नेक्स्ट आदर 3 वैलेंसीज को चेक करते हैं। तो इसमें देखो 1, 2, 3 एंड 4, तो आप लोग इसमें देखेंगे 1 से 2, 2 से 3, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि फोर्थ ग्रुप कहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल पे प्रेजेंट है तो ये होना चाहिए था एस, लेकिन क्या हो जाएगा, आग। इसी वाले केस में भी हम लोग देखें तो 1, 2, 3 और 4, ठीक है, तो 1 से 2, 2 से 3 ये होगा आग, लेकिन होना चाहिए था आग, लेकिन क्या हो जाएगा एस। तो आंसर इसका क्या आएगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है।